मैं आप लोगों के लिए और सर के लिए दो लाइन कहना चाहता हूँ कि मेरा दिल कहता है कि इस बार कुछ नया कमाल करके दिखाऊंगा। सुन रहे हो कि मेरा दिल कहता है इस बार कुछ नया कमाल करके दिखाऊंगा, फोर्स डिफेंस एकेडमी में आया हूँ तो कुछ बन के जाऊंगा, फोर्स डिफेंस एकेडमी में आया हूँ तो कुछ बन के जाऊंगा। अरे भर्ती में तो दौड़ेंगे 400 रेसर, लेकिन भगवान का आशीर्वाद और गुरु जी का आशीर्वाद रहा सबसे अहम खुद को पाऊंगा। तो एक बार फिर से सिलसिला जारी है फोर्स एकेडमी की रफ्तार का, एक ऐसी रफ्तार जो कि रुकने का नाम नहीं ले रही है कि कर्मवीर को रोक नहीं सकता है करने से, और उसे कौन रोक सकता है जिसने तैयारी करी है फोर्स एकेडमी में दौड़ कर। तो तैयार हो जाइए क्योंकि आज एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, फिर से चार बंदे हमारे फिजिकल क्वालिफाई है। एक बार जोरदार तालियां इन चारों के लिए। बोलो भारत माता की। दोस्तों जैसा कि सफलता मेहनत से ही मिलती है और इन लोगों ने जो मेहनत करी है, आइए जानते पहले इनसे। हमारे साथ है सोहन, विवेक, विकास और नितेश, चारों हमारे साथ में अभी मौजूद है जिन्होंने आज फिजिकल क्वालिफाई किया है। चलिए जानते हैं सोहन से। सोहन के पास तो फाइनली रिटर्न कार्ड मिल चुका है इसे एग्जाम्स में बैठने के लिए। कितने नंबर का फिजिकल है? 88 नंबर का है। सोहन कितने दिन की प्रिपरेशन करी थी आपने यहाँ पर? 3 महीने की। कहाँ से आए हैं आप, कहाँ के रहने वाले हैं? अगरमालवा। अच्छा, एक आपके यहाँ पर ये लांछन जैसा कुछ दिख रहा है मेरे को, इस क्या बोलते हैं इसे? लांछन बोलते हैं। इसमें कुछ पॉइंट दिया था क्या आपको? नहीं सर, कुछ भी नहीं दिया। कोई भी नहीं दिया। तो देखो, एक एक इन्फॉर्मेशन वाली बात है यहाँ पर इस वीडियो के अंदर, सिर्फ सिलेक्शन ही नहीं, आपको एक और चीज बता रहे हैं कि इसको जो ये जो दाग है इसका, इसके अंदर कोई इमेज नहीं मिलती है। तो अगर आपको भी ऐसा कोई दाग है ना, तो कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा सोहन अभी फाइनल ही रिटर्न क्वालिफाई, मतलब कि फिजिकल क्वालिफाई करके आया है। रिटर्न का इसको पास मिल चुका है, अब ये रिटर्न एग्जाम में बैठेगा। सोहन चलो ठीक है, आप कहाँ के रहने वाले एक बार और बताओ? मैं आगरमालवा पिपलोन कला ग्राम से हूँ, रहने वाला हूँ, और मैंने 3 महीने हो गए मेरे को फोर्स एकेडमी में तैयारी करते हुए। यहाँ पर लास्ट टाइमिंग आपने जो दिया था, आपकी जर्नी कितने, मतलब कि आपने जब शुरुआत करी थी तो कितना टाइमिंग आता था, और फाइनल कितने टाइमिंग पे आप यहाँ से गए थे? स्टार्टिंग टाइमिंग 6:05 आता था मेरा, और मैं लास्ट टाइमिंग यहाँ पर भर्ती से पहले लास्ट टाइमिंग देके गया था 4:55। आप अपने दोस्तों से क्या बोलना चाहेंगे जो इंतजार कर रहे हैं आपके लिए, तालियां बजा रहे हैं? आप जो सर कराए वो बस कर लीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का है। ना वहाँ पर जब रनिंग में था तो एक बंदे ने मेरे को बोला कि भैया आप कहाँ से हो? मैंने बोला मैं आगरमालवा विप्लोन कला से हूँ। तो आप कौन सी एकेडमी में हो? मैंने बोला हाँ फोर्स एकेडमी में। तो उसने बोला भाई ने कि भैया आपका तो सिलेक्शन पक्का है, तो फिर तो मेरे को निकालनी पड़ी। विश्वास दूसरे बच्चों का है कि आप फोर्स एकेडमी से हो तो डेफिनेटली आपका फिजिकल निकलेगा। आप मोटिवेशनल के लिए, इनको उत्साहवर्धन के लिए दो लाइन बोलना चाहेंगे क्या इनके लिए? हाँ सर बिल्कुल, बोलिए। इधर सामने के मौत की मंडियों में सबने बढ़ चढ़ के बोलियां दी है, के मौत की मंडियों में सबने बढ़ चढ़ के बोलियां दी है, और जब भी मांगी है मेरे देश ने कुर्बानियां, माओ ने भर भर के जोलियां दी है। सबका उदाहरण है, देख सकते हैं आप। बोलो भारत माता की। ऐसा जोश और ऐसा जुनून हमारे फौजी भाई के अंदर ही हो सकता है। इनके जोश को बढ़ाने के लिए, इनका उत्साह वर्धन करने के लिए मैं एक और हमारे कवि को बुलाना चाहूंगा, जो कि आपको मोटिवेट करेंगे इन चारों को और उत्साह। बोलो भारत माता की। जय हिंद साथियों। जय हिंद। मेरा नाम यशपाल गौतम है, तो मैं आप लोगों के लिए और सर के लिए दो लाइन कहना चाहता हूँ कि मेरा दिल कहता है कि इस बार कुछ नया कमाल करके दिखाऊंगा। सुन रहे हो कि मेरा दिल कहता है इस बार कुछ नया कमाल करके दिखाऊंगा, फोर्स डिफेंस एकेडमी में आया हूँ तो कुछ बन के जाऊंगा, फोर्स डिफेंस एकेडमी में आया हूँ तो कुछ बन के जाऊंगा। अरे भर्ती में तो दौड़ेंगे 400 रेसर, लेकिन भगवान का आशीर्वाद और गुरु जी का आशीर्वाद रहा सबसे अहम खुद को पाऊंगा। बहुत
शानदार दो लाइन सुनाई इसने और वास्तविकता में आप अगर मेहनत करते दिल से मेहनत करते दिल खोल के मेहनत करते तो डेफिनेटली आपको मुकाम मिलता है। चलिए आप बारी है विवेक की जो कि हमारे साथ जुड़े मतलब कि साथ में है और जानते हैं कि इनने कितने नंबर का फिजिकल क्वालिफाई किया है कितने बीम लगाए हैं। 48 की रनिंग है हालांकि थोड़ा सा मिट चुका है थोड़ी थोड़ी सील साइन है इनका। ये फाइल नंबर है 5749 वहां पर जब भर्ती दे रहे थे जब आपका नंबर आया था फाइल में आप बैठ चुके थे तो कुछ अंदर से हार्ट बीट या फिर धड़कन ऐसे ज्यादा तो नहीं बढ़ रही थी ऐसा क्यों सर? क्योंकि सर आपने ट्रेनिंग इतनी दे दी बराबर। जो बंदा ट्रेनिंग करता है जो दिल से मेहनत करता है उसे घबराहट नहीं होती है दूसरे लोग उससे घबराते हैं। एक बार जोरदार तालियां। चलिए आप मिलवाता हूँ मैं आपको अंचल से जो कि एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर है इनने एनसीसी कंप्लीट कर रखा है बस इनको एक ही चीज चाहिए इनको इस यूनिफॉर्म को पाने के लिए आपने क्या क्या किया है? सर जब मैं पहले आया था 5:37 मेरी टाइमिंग आई थी फर्स्ट टाइमिंग उसके बाद जब मैं गया दूसरे टाइमिंग लास्ट टाइमिंग देखे 4:55 देखे गया था वहाँ पे गया था तो मल्हार आश्रम के बहुत बच्चे थे वो बोल रहे थे कि तुम्हारा ग्राउंड छोटा है तो हमने बोला ग्राउंड से कुछ नहीं होता है यदि अपने अंदर जिगरा है तो वहाँ कुछ भी कर सकते बोला। मेरा नंबर सबसे पीछे था लेकिन सबसे पीछे था तो पहले राउंड में मैंने काट के टॉप 10 में आया था फिर चलने दिया था और लास्ट में 48 की रनिंग मार दी थी। आपके साथ फोर्स एकेडमी के और कितने बच्चे पास हुए हैं? मेरे साथ वहाँ पे मेरे फाइल में एक विशाल भी थे उन्होंने मैं और विशाल भी एक फाइल में बैठे हुए थे दोनों ने एक साथ ही रनिंग क्वालिफाई किया था। जब फिजिकल आपने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया था भीम के लिए वहाँ पर बुलाया जाता है लगभग 200-300 बच्चे फिजिकल क्वालिफाई होते हैं वहाँ पर तो उसमें से फोर्स एकेडमी के आपके दिन आपकी कौन सी तारीख के दिन भर्ती थी? मेरी 26 तारीख को 26 तारीख के दिन आप मतलब आज ही थी भर्ती? यस सर आज ही भर्ती थी इन बच्चों की और आज ही निकाल के आ गए इनके लिए तो तालियां बनती एक बार जोरदार। बोले भारत माता की। एक और दूसरी बात बोलता हूँ मैं आपको कि अधिकतर बच्चे कमेंट करते रहते हैं आपका ग्राउंड छोटा है उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे फर्क पड़ता क्या है? अगर ग्राउंड छोटा होता तो ये फिर सिलेक्टेड कहाँ से होते? देखिए दोस्तों बात एक है कि आपने किस तरीके से प्रिपरेशन करी उस पर डिपेंड करता है। आपने कितना दौड़ा वो मायने नहीं रखता आपने क्वालिफाई किया या नहीं किया उस बात को मायने रखता है। तो ये क्वालिफाई है बच्चे ये इसी ग्राउंड पर तैयारी करके क्वालिफाई हुए हैं तो अब छोटा बड़ा तो कुछ नहीं होता है सिलेक्शन होता है मेन चीज। तो ये फिजिकल क्वालिफाई है आप वो जो आपके अंदर मनसा है आपके मन के अंदर धारणा है जो आप लोगों को गुमराह करते हैं कमेंट के अंदर बोल बोल के तो उन चीजों पर आपको विश्वास नहीं करना है क्योंकि जो भी चीज निकलती है वो परिणाम देखती है और परिणाम आपके सामने ये रहा। चलिए अगले फौजी भाई से मिलवाता हूँ लेकिन आपको मिलवाने से पहले फिर से दो लाइन सुनते हैं क्योंकि दो लाइन सुनकर हो सकता है आपका भी जोश खोले आपका भी खून रक्त आपका उबाल मारे। अगर आपका रक्त उबाल मारेगा तो आप भी इंडियन आर्मी फोर्सेस की यूनिफॉर्म जरूर पहनेंगे डेफिनेटली। मजबूरी का मातम कब तक देश मनाएगा? ये मजबूरी का मातम कब तक देश मनाएगा? अरे रोज रोज मरने वालों में मेरा नाम कब आएगा? और बंद करो ये अमर शांति पैगामों की बातों को बंद करो ये अमर शांति पैगामों की बातों को और घर में घुसकर मारो इन कुत्तों की औलादों को। बोले भारत माता की जय। भारत माता की जय। कि जब तू दौड़ का तीसरा चक्कर लगा रहा होगा यकीनन तू थोड़ा सा घबरा रहा होगा। जब तू दौड़ का तुम तीसरा चक्कर लगा रहे थे तब घबरा नहीं दिखा बोलिए सर ये तैयारी करके गए थे ये नहीं घबराएंगे आगे आगे। जब तू दौड़ का तीसरा चक्कर लगा रहा होगा यकीनन तू थोड़ा सा घबरा रहा होगा लेकिन तू रुकना मत तू घबराना मत तू कोशिश करना और तू ये सोचना कि तू कर पाएगा और सोच पागलों मंजर कैसा होगा जब तू वर्दी पहन के घर आएगा। चलिए मिलवाता हूँ मेरे चार चौथे फौजी भाई से जिनका नाम है नितेश। नितेश आपको बताएंगे कि किसी क्या प्रिपरेशन करी थी इनने कितने नंबर का इनका फिजिकल है नितेश बताइए। सर मेरा फिजिकल 88 का है ठीक है मैंने यहाँ पे छह महीने प्रिपरेशन करी थी। कितना टाइमिंग आता था आपका यहाँ पर? मेरा पहला तो 5:35 आता था बाकी लास्ट टाइमिंग में 4:42 देखे गया था यहाँ। 4:42 आप देखे गए थे यहाँ पर टाइमिंग। कौन से नंबर पे आपका नंबर आया है? सेकंड नंबर पे। तो पहले नंबर पे कौन आया था? पहले नंबर पे फोर्स। बस दिक्कत यही आ जाती है दिक्कत एक ही बंदे को 60 नंबर दिए एक ही बंदे को। दिक्कत यहीं पे आती है कि जब बच्चा दौड़ता है और फोर्स के 4-5 बच्चे एक ही ग्रुप में बैठ जाते हैं तो नुकसान फोर्स वाले ही कर देता है। बंदे का नुकसान फोर्स वाले ने किया क्योंकि एक बंदे को 60 नंबर दिए गए और दूसरे बंदा जो था फोर्स एकेडमी का वो था नितेश जिनको 48 नंबर दिए गए। चलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे कोई भी आए पास होना सबसे मेन बात है पास हो चुके हैं। आप दो वर्ड इन बच्चों के लिए मोटिवेशन के लिए क्या बोलना चाहेंगे? 400 में 4 पकड़ कर जाने जाते हैं अपने काम से के 400 में 4 पकड़ करो जाने जाते अपने काम से और थोड़ी मेहनत और कर ले यार क्योंकि फोर्स हीरा निकालती है कोयले की खान से। बोलो भारत
भैया हीरा तो कोयले की खदानों में से ही निकला जाता है और हमारे चार हीरे आपके सामने रहे हैं। ये चारों के चारों ने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया है, अब नेक्स्ट पड़ाव के लिए तैयार है। हाँ थोड़ी सी स्माइल है क्योंकि फिजिकल क्वालिफाई कर चुके हैं, एक पड़ाव इनका कंप्लीट है, सेकंड पड़ाव के लिए तैयार है क्योंकि रिटर्न बैच के लिए इन बच्चों को मेहनत करना है। अब देखो दोस्तों एक चीज बता देता हूँ कि 50% सिलेक्शन मायने नहीं रखता है, जब तक आप फाइनल सिलेक्ट नहीं हो जाते, जब तक आपकी फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ जाता है तब तक आपको चैन से नहीं बैठना है, ठीक है, पढ़ते रहना है। और पढ़ने के लिए अगर आप चाहते हैं फोर्ट डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करना है तो 6 तारीख से न्यू बैच स्टार्ट हो रही है, उज्जैन महाकाल की नगरी में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं फोर्ट डिफेंस एकेडमी और इंदौर में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं फोर्स एकेडमी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं उज्जैन के अंदर तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है 7566202077, ये उज्जैन के नंबर है, आप वहां पर जाकर लाभ ले सकते हैं। न्यूनतम फीस में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने का वादा करते हैं हम आपसे, ये वादा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लास्ट बेस से हमारे उज्जैन में जो भर्ती हुई थी मऊ यारों की उसमें 162 बच्चे फाइनली फिजिकल और रिटर्न क्वालिफाई होके गए थे, तो रिटर्न में इतने अच्छे परिणाम के बाद आपसे ये वादे कर रहे हैं। अगर आप इंदौर के अंदर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इंदौर के हमारे नंबर है 9826049151, आप ज्वाइन कीजिए और अपने रिटर्न के लिए एक विश्वसनीय संस्थान पे विश्वास कीजिए जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। चलो फिर मिलेंगे नए सिलेक्शन के साथ या फिर किसी फौजी भाई के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।